अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बता दें गाइस कि सुबह का 9 बज रहा, कोहरा बहुत ज़बरदस्त है और हम जा रहे हैं उतरौला, और उतरौला का वहाँ का कुछ चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ का राजमहल है और वहाँ का मार्केट सारा चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं उतरौला के लिए और इस समय है इतना ज़बरदस्त कोहरा कि सामने कुछ दिख नहीं रहा। अभी आपको दिखाते हैं, इतना ज़बरदस्त इतना घना कोहरा है कि चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर ये देख लिए पास से चीज़ नहीं दिखाई दे रहा और है। तो वहाँ पहुँच के सारी चीज़ आपको बताते हैं एक्सप्लोर करके, तब तक के लिए आप बने रहें। तो गाइस फाइनली हम उतरौला पहुँच गए और ये उतरौला राजमहल के बाहर का ये व्यू है जो कि तो गाइस बता दें कि उतरौला के राजमहल यही है जिसमें राजा रहा करते थे। अभी इसको अंदर हम चल के इसकी चीज़ें दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, तब तक के लिए आप बने रहें। गाइस बता दें, ये देखिए कुछ इस तरह का बना है राजमहल और जगह जगह रूम निकला हुआ है। बता दें अंदर जाने का ऊपर जाने का रास्ता यही है जीना, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे बंद है। ये देख लीजिए लॉक है यहाँ पे, अंदर जाने का मना है। ये देख लीजिए ये लॉक है पूरी तरीके से। और अभी कुछ इस तरह ये दिखता है बरामदा, इसका गैलरी है ये, और देहाती भाषा में कहें तो बरामदा। और ये स्कूल था किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज, ये स्कूल था न्यू दिल्ली, ICSE बोर्ड अफिलेटेड है। ये कुछ इस तरह, अब आओ चलते आपको अंदर दिखाते। ये देख लीजिए कितना किस तरह बना है स्ट्रक्चर इसका, काफ़ी दूर है। इसमें कुछ नहीं तो 100-150 रूम होंगे, इससे कम नहीं है। और काफ़ी यार आवाज़ गमक रहा है यहाँ, जब बोलो तो आवाज़ गमक रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है आवाज़। यही सारी चीज़ें, अब वहाँ चलो अब हम लोग बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद इसी में वो यहाँ का जो इमाम बाड़ा है वो दिखाते हैं। चार मीनार है इमाम बाड़ा बाबू, इमाम बाड़ा है तो इमाम बाड़ा भी दिखाते हैं, और राजा निशा साहब की जो कब्र है वो भी दिखा देंगे। जब आप अंदर आएंगे राजमहल के एकदम जो अंदर बाउंड्री है उसके अंदर आएंगे तो ये जो चीज़ है ये अंदर से इस तरह बना है पूरा डिज़ाइन, और काफ़ी बड़ा है यार अंदर से काफ़ी बड़ा। ये देखिए चारों तरफ कितना दूर तक बाउंड्री है, और इसी के सामने पूरा बाज़ार बसा हुआ है जो इन्हीं के नाम से बसा हुआ राजा बाज़ार है उतरौला का, बहुत फेमस बाज़ार है। गाइस बता दें जो उतरौला में राजा बाज़ार है वही राजा बाज़ार लखनऊ के अंदर भी है, जो यहीं के राजा का था, उतरौला के राजा का था। पुराने ज़माने का कुआं है जो पार दिया गया है, और एक कुआं ये था, ये भी शायद पार दिया गया है। उस समय क्या था ये नहीं पता, और अंदर चल के सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे शायद अब कोई नहीं रहता है, यानी कि जो जिस तरह बना है ये देख लीजिए सब खंडहर में बदल गया, पूरा खंडहर में बदल गया ये। और डिज़ाइन देखिए, स्ट्रक्चर इसका देखिए कैसे सारा बना है। तो गाइस बता दें ये मेन गेट ये है फ्रंट, और अंदर इंटर होने का ये देख लीजिए, हम ये साइड से व्यू ले रहे हैं, ये साइड से ले रहे हैं, कुछ इस तरह दिख रहा है। ये देख लीजिए बता दें कि अब हम जा रहे हैं इमामबाड़ा हम अभी आपको दिखाते हैं, और उनकी कब्र जो है वो भी दिखाते हैं सारी चीज़ें। और रास्ते में है, जस्ट सामने है, थोड़ी दूर पे ही पड़ता है यानी कि गली में। ये इनकी पुरानी हवेली थी जो ये है मेन गेट, यही है पुरानी हवेली का। बता दें ये जनाब राजा मोहम्मद मुमताज अली खान साहब का ये कब्र है जो राजा थे यहाँ के, और ये देख लीजिए कुछ इस तरह बना है। इनकी ये पुरानी वाली जो है ये हवेली थी, और ये इसी के पीछे मस्जिद भी बना है इनका, और ये कुछ इस तरह ये था, ये इमामबाड़ा यही है। देख लीजिए कैसा बना है, पहले के ज़माने के लोग कैसे बनाए थे, ये देख लीजिए। ये इमामबाड़ा का सबसे बड़ा गेट है, देख लीजिए कैसे बना है ये गेट, कैसे बना है।
और इसमें ताजिया वगैरह भी रखते हैं लोग कहते हैं। और ये देख लीजिए कुछ इस तरह स्ट्रक्चर देख लीजिए यार कैसे बना, कितना ज़बर। ये देखो ईंटें कितना पुराना पुराना लगा है रेड कलर की, ये सब ये देखिए इसका जो है ये सीमेंट नहीं है, ये चूना का रहता है और उसका मिट्टी का रहता है। ये सब जो घास वगैरह अनाज का दाल का ये सारा चीज़ बेल का यही सब बना रहता है इसमें। एकदम देख लीजिए खंडहर में बदल गया है ये पूरा, यानी देखभाल करने वाला कोई है नहीं। बता दें ये मेन गेट का, यानी कि जब इंटर हूँ इसमें तो यहाँ पे एक कुआँ था, ये देखिए ये कुआँ था जो कि पाड़ दिए हैं इस तरह है क्या कर? तो गाइस बता दें जब उस समय जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रहा था 1857 के टाइम पे, तो ये उतरौला भी ऐसा राज था, वो भी एक राज हुआ करता था उस समय भी, ये नहीं बचा था अंग्रेजों के अत्याचार से। और यहाँ पे भी अंग्रेज आए थे और ये इस हवेली पे कब्जा किए थे। और उस समय तो गाइस उस समय जो राजा थे ना, राजा मुमताज़ अली खान थे, जो 1934 के आसपास उनका डेथ हुआ था। और उसके बाद उनके जो बेटे थे दो, वो बचपन यानी छोटे थे, तो अंग्रेज उनको अपने साथ लेके चले गए थे, तो वहीं रखे थे, तो वहाँ पे उनको पढ़ाया लिखाया। फिर उसके बाद उनके जो राय उनके बेटे जो थे, उनके नाम था राजा मुस्तफ़ा अली खान और राजा इकबाल अली खान थे, ये उनके दोनों बेटे थे। तो यहीं पे फिर बाद में आए तो उनकी माँ भी यहाँ पे आई, तो यही था इनका हिस्ट्री। और उसके बाद और यहाँ से ये जो चीज़ है कि यहाँ पे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, वो जो उस टाइम के थे वो लोग ख़त्म हो चुके, तो इसके बारे में उतना हिस्ट्री पता नहीं है ये सारी चीज़ें। और अंग्रेज भी यहाँ आए थे, यहाँ पे भी शासन सत्ता थोड़ा बहुत किए थे इनका, यानी ये हवेली पे कब्जा किए थे, काफ़ी दिन तक कब्जा रहा, उसके बाद उनके बेटों को पकड़ ले गए। भाई बहुत मेहनत और करते हैं, इनको सब्सक्राइब और चैनल पे जो बिल्डिंग पे लाइक कर दो। और बहुत दूर से आए भाई उतरौला में, यहाँ पर बिल्डिंग राजा साहब की आए वो करने दिखाने, तो दिखा रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर पूछे तो कोई नहीं बताया, इसलिए कि कोई नहीं आया था यहाँ पर, कोई है ही नहीं। तो गाइस सुन लिया ना, ये भाई देखो कितना मासूम है, आज हमको यही बंदा पूरा यानी बिल्डिंग हमारा बैग भी लिया और घुमाया भी बिल्डिंग कि भैया आओ हम तुमको दिखाते हैं सारा बिल्डिंग कैसा बना है। तो गाइस इसके अब जो था सब कुछ दिखा दिया, अब हम लोग निकल रहे हैं और बंदा हमको आया है बाहर छोड़ने, बोल रहा है कि भाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो भाई सुन लीजिए भाई, और कोई अगर 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 भाई उतरौला या बलरामपुर का भी देख रहा हो तो भाई अपने आसपास का क्षेत्र का है यार, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा।